friends, my name is Mani and today I'm gonna discuss जो भी वीज़ा अपॉइंटमेंट्स हैं 18th मार्च के बाद वो सारे वीज़ा अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं. जिन्होंने जो भी स्टूडेंट्स ने वीज़ा अपॉइंटमेंट जर्मन काउंसलेट्स के साथ रखे हैं, नॉट विद VFS, विद जर्मन काउंसलेट. कल ये वेबसाइट पे न्यूज़ आई है कि ये वीज़ा अपॉइंटमेंट्स नहीं लिए जाएंगे थ्रू आउट इंडिया, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो दिल्ली हो, कलकत्ता आपका, मुंबई, कोई भी काउंसलेट हो. तो आप ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हो. फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं नीचे लिंक भी सेंड लगा रही हूँ, सो दैट यू कैन गो एंड चेक इट. वैसे स्नैपशॉट तो मैंने स्क्रीन के साथ शेयर कर ही दिया है. और दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस. ओनली 3 to 4 कैटेगरीज आर एलिजिबल. पहला कैटेगरी आपका फैमिली रियूनियन वीज़ा वाले एलिजिबल हैं जो जा सकते हैं जर्मन काउंसलेट के पास. दूसरा डिपेंडेंट वीज़ा वाले जा सकते हैं काउंसलेट के पास. तीसरा आपका एम्प्लॉयमेंट वाले भी जा सकते हैं कॉन्सुलेट्स के बाद, पर स्टूडेंट्स वाले आर नॉट एलिजिबल. चाहे कोई भी कैटेगरी हो स्टूडेंट की, सिर्फ VFS वाले एलिजिबल हैं, तो वो अपनी फाइल VFS में लगा सकते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो भी स्टूडेंट्स जर्मन काउंसुलेट के अलावा VFS जा रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे वो फैमिली रियूनियन हो, डिपेंडेंट हो, या कोई भी कैटेगरी हो, मास्टर्स, बैचलर्स, वो एलिजिबल हैं. ओनली जर्मन काउंसुलेट वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं. तो इसलिए VFS वाले स्टूडेंट्स अपना सेम स्केड्यूल रखें, बट एम्बेसी में जिन लोग को जाना है जर्मन काउंसुलेट्स के पास, वो लोग थोड़ा सा अपना स्केड्यूल को रीस्केड्यूल करें. या थैंक यू. अभी एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जितने भी स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं जर्मनी से, उनको क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में रखा जा रहा है 15 डेज के लिए. और एक और स्टूडेंट मेरा, वन ऑफ माई स्टूडेंट के डे बिफोर यस्टरडे एंड ही इज़ ऑल्सो देयर इन क्वारंटीन फैसिलिटी फॉर 15 डेज. आई थिंक ही इज़ इन छतरपुर एट द मोमेंट. वो छतरपुर में है. और तो ये भी आप प्लीज़, जो भी आप अपनी ट्रिप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो या कुछ भी मैनेज कर रहे हो, ये चीज़ भी अपनी कैलकुलेट करके रखना. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़, जो स्टूडेंट्स अभी कुछ टाइम पहले गए थे या इस इनटेक के लिए जा रहे थे, तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर कॉलिंग अस कि हमारा अनमेल्डिंग नहीं हुआ है, हमारा डॉक्यूमेंट आ गया है, लेकिन हमारा अभी तक सोशल सिक्योरिटी नंबर इशू नहीं हुआ या हमारा कार्ड इशू नहीं हुआ. तो बिना कार्ड लिए प्लीज़ मत आइएगा. वीज़ा एक्सपायरी होने से पहले आपको वापस जाना होगा, अदरवाइज आपको दोबारा से वीज़ा लगाना पड़ेगा. अभी तक का यही सिचुएशन है. कोई लॉ नया आ जाए या कुछ और चेंजेस आ जाए तो वील अपडेट यू. बट जब तक आपका एक्सटेंशन नहीं हो जाता या आप अपना कैलकुलेशन उसी हिसाब से रखें, प्लीज़ टेक केयर. और कोई क्वेश्चन हो वीज़ा से रिलेटेड या किसी सिचुएशन से रिलेटेड, तो वील बी रियली हैप्पी.